फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेजर्ट फूड रेसिपी। आइए आज हम बनाएंगे कंकोड़े की टेस्टी सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसके हमारे शरीर को बहुत ही फायदे होते हैं। इसको हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के। तो कंकोड़े की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए है कंकोड़े, जिनको हमने इसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हम इसका काट लेंगे और इसको इस तरह से छील लेंगे। छील के हमने वापस से धो लिया है। इसको ऐसे हम चार भागों में काट देंगे। मैंने 500 ग्राम के करीब कंकोड़े लिए हैं। इनको बनाने के लिए कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया, जिनको दरदरा पीस लिया है, वो डालेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे। दो से तीन हमने टमाटर लिए हैं, जिनको छोटा काट लिया है, वो डालेंगे। टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें थोड़ा सा तीखा जाएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मसालों को पकने देंगे। पक चुके हैं। टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम जो हमने कंटोले काटे हैं वो डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ आपको इस सब्जी के खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। इस सब्जी को खाने से जिनको शुगर है, डायबिटीज है, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचता है। शुगर कंट्रोल होने में ये काफ़ी लाभकारी होते हैं। इनसे बाल नहीं झड़ते हैं, बालों में चमक आती है। ये मलेरिया में भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। कंटोले हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अमचूर डालने के बाद हमने 1 मिनट तक इसको और पकाया है। सब्जी हमारी तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे। इस सब्जी को आप रोटी, परांठे, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सब्जी 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी की जा सकती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी हेल्थी और टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।